घूमना बहुत जरूरी नहीं है। तो हम लोगों की उड़ान पर रोक लग गया है और जिया को जो है अपने ससुराल वालों से सख्त निर्देश मिल गया है कि तुमको घूमने कहीं नहीं जाना है, और इसका जो कारण है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 7 और इस समय जो है क्रियांश अपने दादा दादी के पास है और वहां पर जाकर के जो खेल रहा है कुछ देर यहां पर था और यहां पर जो है बहुत अच्छा खासा तबाही मचा करके गया है। असल में हुआ क्या है जी, क्रियांश जब से गया है ना अपने नानी घर और जैसे मधुबनी गया, जो भी हमारा गाँव वाला इलाका सब था वहां पर गया, तो वहां उसको बहुत खुला जगह मिला और अच्छा खासा खेला वहां पर। तो उसके बाद जो है क्रियांश को आदत बन गया घूमने का, तो हमेशा जीत करता है कि हमको बाहर लेकर के चलो। तो वही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पर जो है वैसा जगह है नहीं, तो उसको छत पर घुमा देते हैं और जो पास का गली है वहां पर घुमा देते हैं। लेकिन वहां दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी गाड़ी का जो है आना जाना लगा रहता है, तो उस वजह से जो है थोड़ा रिस्की रहता है, तो बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ता है। तो ऐसा ही है जी, हमारा जो बच्चा है वो बड़ा होते जा रहा है और उसका जो है शैतानी बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे जो है अपने आप जो है एडजस्ट कर रहे हैं उन सब शैतानियों में, और एक दिन जब वह बड़ा हो जाएगा उसका जो यही शैतानी सब होगा उसको मिस करेंगे हम लोग। जिया इधर इंतजार कर रही है मेरे निकलने का, तो यहाँ पर बैठी है झोला लेकर के बैठी हुई है। तो जिया जो है झोला निकल के चल पड़ी है अपना कपड़ा सब सिलवाने के लिए। तो जल्दी से हम अपना जो है बाइक निकलते हैं और क्रियांश को दीदी उधर पकड़ी हुई है ताकि वो देखे नहीं, बोल दिया ज्वेलरी दुकान में जी गए थे, वहाँ तो बंद था, वहाँ तो नहीं जा पाए, तो अब जाते हैं यहाँ क्रियांश का कुछ सामान सब लेना है तो ले रहे हैं। 2 hours later. तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9 और इस समय जो है हमारा खाना तैयार हो गया, तो अच्छी बात है जी। सीधा चलते हैं और खाना खाते हैं और क्रियांश अपना कर रहा है क्योंकि उसको कुछ जीत होगा तो उसका जीत अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो चलते हैं। The next day. क्या बोलो तो अभी क्रियांश, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गुंडा मेरे घर में आया है मम्मा का पास। तो आप लोग पूछते हेयर फॉल बच्चे होने के बाद कैसे होता है, तो ऐसे हेयर फॉल होता है, ओरिजिनल वाला जो हेयर फॉल होता है ना बच्चे होने के बाद ऐसे होता है, दिल एक एक मुट्ठी तोड़ता है मेरा बाप, ये देखो ऐसे कोई करता है, देखो डांट भी नहीं सकते इसको, डांट से ज्यादा एक्टिंग बाद हो गया। नो अभी क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि बनाना शेक बना रही थी, तो सबको हमने पिला दिया, सिर्फ बची थी मैं अपने लिए ग्लास में करके रख के, और इसके साथ जो है हम खेल रहे थे और उसके बाद गए एक बॉटल फ्रिज से पानी निकालने के लिए, जब तक गए तब तक तो टेबल के ऊपर रखे थे, उतना देर में ये चढ़ के उसको वहाँ से फेंक दिया और मेरा ग्लास तोड़ दिया। ये बताऊंगी सबको, बताऊंगी कितना नटखट हो गया है, तो मारता भी है मुझे बहुत, सबको अपनी मम्मा को प्यार करता है, तुम नहीं करते, पूछी डो नहीं बात नहीं कर, नो नो थैंक यू नहीं बात करेंगे, नहीं बात पूछी डो तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और क्रियांश आज पहले ही सो गया है, तो वो देखते हैं कब उठता है, मुझे लगता है 10 बजे सो गया था। और पति देव गए नीचे तरबूज खरीदने के लिए, कैसे दे रहा है 20 पति देव नीचे खरीद रहे हैं तरबूज। तो क्रियांश जो है सो के उठ चुका है, शर्मा रहा है, क्रियांश अभी नाई नाई किया है, कोई नहीं देख रहा है, तो क्रियांश को मुँह दिखाई चाहिए इसलिए मुँह दिखा नहीं रहा है, हंसी भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, ये सब कहता है कि क्रियांश लड़की लगता है, लड़की हो तुम, हा 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 हंसने वाली बात, क्रियांश लड़की लगता है, ज्यादा प्यार भी तुमको मार नहीं लगता है, ज्यादा प्यार भी तो क्रियांश तुमको मार नहीं लग जाता है, ये देखो हम कहाँ चल गए, पूछी दो
तरबूज खाएगा, तरबूज या तरबूज खाएगा, तो दांत काटता है, बाप रे बाप, मर गए। दया नहीं आता क्रियांश को, दया नहीं आता है। देखो पूरा क्या किया, देखो यहाँ। One hour later. तो क्रियांश के लिए कल ही यह नया बोतल खरीदा गया था, तो देख सकते हैं ये अपना बोतल में जो है फिलहाल पी रहा है। इसमें दिया गया है ग्लूकोज और यह हमने खास करके लिया था ट्रेवल के लिए कि जब हम लोग कहीं घूमने उमने जाएंगे। और ये इसको हमको ग्लूकोंडी पिलाने के लिए भी हमने ये लिया था। ये अच्छा आराम से पिएगा, अपना घूम घूम के पिएगा। अच्छा और ये जो है ना फ्लिप्स का है, अच्छा रहता है हमारे बच्चे के लिए, बहुत अच्छा है क्योंकि ये बार बार फेंकता है, इसका फिनिश फेंक देता है तो मजबूत है ये एकदम। और उसके बाद जो है इसका जो वह दिया हुआ है शक करने वाला पाइप, वह भी सिलिकॉन का है, तो अच्छी क्वालिटी का है, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगा और यह काट भी नहीं सकेगा जल्दी, क्योंकि ज्यादातर निपल जो भी लाते हैं क्रियांश उसको काट ही देता है। नॉर्मल वाला अंकल दे रहे थे तो हमने बोला मत दीजिए, हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा दाम लगेगा तो लगेगा, कि एक बार लेंगे कि पूरा गर्मी इसका निकल जाए। हाँ, पूरा निकल जाए, कम से कम एक सामान ले, छह महीना अभी तो टिके। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा देर पी रहा ना फेंक देगा तुरंत ही। बस बस बस। और जानते हैं ये कब तक पीता है, जब तक पाइप के रेंज तक में रहता है सब कुछ, और थोड़ा सा लास्ट में जो बच जाता है फेंक देता है ये। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 3:30 और क्रियांश जो है फिलहाल अपना दूध पी रहा है, और आज जो है डैडी अभी कोर्ट से आए नहीं है, अभी ड्यूटी से, और वहीं से जो है फोन पर फरमान आ चुका है, क्या चीज बनने का, शायद छोला का यार, बोले कि काला वाला चना जो है देसी चना उसका घुगनी बनाओ। अच्छा कुछ लोग घुगनी बोलते हैं, कुछ लोग घुगनी बोलते हैं, तो मुझे विरोधाभास उत्पन्न हो गया है दिमाग में, मैं क्या बोला, कुछ भी है जो भी है देसी चना का घुगनी बहुत अच्छा लगता है, जो भी अपने साइड के होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, घुगनी है या घुगनी जो कहिए, मेरी फैमिली में सबको पसंद है, खासकर मेरे दोनों बच्चे को। बिल्कुल जी, तो आज जो है वह बनने वाला है और कैसे बनता है, तो इसका जो रेसिपी भी डलेगा, तो लेकिन रेसिपी यह डालने वाली है फेसबुक पर, तो आप लोग हमारा फेसबुक जो पेज है, आप दोनों बेटी को पसंद है ना, हम दोनों को भी बहुत पसंद है, मतलब हमको और रितु सबको पसंद है, और स्पेशली माँ के हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है घुगनी। बिल्कुल माँ जो बनाती है ना बहुत सिंपल तरीके में बनाती है और इतना टेस्टी लगता है ना कि अगर आप लोगों को खाना तो माँ तो यहाँ से भेज नहीं सकती है, जो भी वीडियोस देखते हैं, लेकिन रेसिपी जरूर आज माँ बनाएगी तो शूट करेंगे और वो देखने को मिलेगा आपको हमारे फेसबुक पे। तो अगर आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी अपने फेसबुक का नाम। और आजकल के बच्चे को जो मैनिया है, ज्यादा तेल और मसाला दर दिया जाएगा तो शायद बहुत अच्छा सब्जी बनेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसका बनाने का तौर तरीका होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में है और हम लोग जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, हम लोग स्थिरता हो गई तो सब्जी बनाने में स्थिरता होती है, इसलिए हम लोग सोच समझ के बनाते हैं। तो अच्छी बात है, और अब से जो है शुरू किया जाएगा इसके बाद मुहिम कि बिना तेल का सब्जी बनाया जाएगा। हाँ, बहुत सारा वीडियो देखे हैं जिसमें देखे हैं कि बिल्कुल भी एक बूंद भी तेल नहीं डालता है उस तरीके से बनता है, तो ऐसा ही शुरू किया जाएगा। नहीं खा करके एक बार देखेंगे कैसा लगता है, क्योंकि रेसिपी दिया हुआ था शायद 50 दिन में 50 तरह का मील, तो वो भी बिना तेल के, मतलब शायद कुछ इस तरह से था कि पहले जीरा को फ्राई कर दो, फिर उसके बाद प्याज डालो, फिर ये करो। हे क्रियांश बाहर जाएगा, चलो तुमको लेकर के चलते। तो फिलहाल जो है क्रियांश का बाल जो है बांधा जा रहा है, तो ठीक है, इसका बहुत टफ काम तो है ही, और हम लोगों का जैसा बता रहे थे कि जी इस साल जो है कहीं भी घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है, और हम लोगों को जो है घूमने फिरने का अच्छा खासा शौक रहता है, स्पेशली मेरे बारे में तो मम्मी को मालूम है कि बहुत ही घुमक्का लड़का है, कहते रहते कि दिन भर टल्ली मारता है, घर में कभी टिकता नहीं है। मैंने जिसका बचपन देखा, जो एक बेटा घर में ही रहता था, इस बचपन से जब इसको साइकिल हो गया, साइकिल से पूरा कटिहार का नाप दिया, तब मोटरसाइकिल हो गया, बिल्कुल उसका दूरी नाप दिया मोटरसाइकिल से। आप लोग का आशीर्वाद रहे या शुभकामना समझिए, या माँ बाप का आशीर्वाद या अपना मेहनत का इसका फल है या भगवान की असीम कृपा है, तो चार चक्का का मालिक हो गया, अब कार से घूमने लगा है, कार से पूरा इंडिया नापने लगा है, रोक लगाना बहुत जरूरी। बिल्कुल, तो हम लोगों की उड़ान पर रोक लग गया है, और जिया को जो अपने ससुराल वालों से सख्त निर्देश मिल गया है कि तुमको घूमने कहीं नहीं जाना है, और इसका जो कारण है वह हम लोग कारण नहीं है, इसका कारण है मम्मी का पोता। तो बताएगी मम्मी आ गए, जो है जब भी जाता है घूमने, स्वाभाविक है कि घूमने में सबको मन लगता है, हर जगह का जो जलवायु है वो अपने तरीके से है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा सब चीज एडजस्ट कर लेगा, जब भी क्रियांश आता है तो वो सर्दी खांसी बुखार लेकर आता है,
तो घूमना बहुत जरूरी नहीं है, उससे पहले बच्चे का स्वास्थ्य है। जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो बिल्कुल घूमना फिरना चलता रहेगा। और बाकी अब हम लोगों ने जो है ठंड के मौसम में जैसे पहले पहाड़ सब पर भी चले जाते थे, अब पहाड़ सब पर जाना हम लोगों ने बंद कर दिया है। अभी क्रियांश बहुत छोटा है, क्रियांश समझदार थोड़ा हो जाएगा तो इन लोग को जहाँ जाना अपना जमीन को कुछ भी लेना देना पहले भगवान इसको सुरक्षित रखे आप बच्चा यहाँ हम। अच्छा चलो तो बढ़िया है, तो बाद में परमिशन मिल जाएगा जब तक क्रियांश बड़ा ना हो जाए। और ये देखिए एक बिल्ली मौसी है उधर, क्रियांश का इंतजार कर रही है। किस बात को लेकर इंतजार हो रहा है क्रियांश? क्रियांश कुछ देता तो है नहीं, खेलता है क्रियांश। इली इली देखा नहीं है, भाग गई भाग गई। तो ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। क्रियांश तो वही लग रहा था कहाँ गया है, बोलगा गाड़ी के अंदर तो नहीं घुस गया, उसका आदत है। तो ऐसा करते हैं जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।